हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल एयरफोर्स ड्रीमर्स। भाई, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कोस्ट गार्ड का जो है अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, इसलिए मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके पास हम लेकर के आ गए हैं। होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा और आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। मेन मोटिव है भैया कि प्रैक्टिस करना। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट ना पढ़ो भैया, सिर्फ अब प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ेगा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ओके, ये क्या है, ये भैया सीरीज का नाम है अंतिम। और जाहिर सी बात है कि अब अंतिम समय है, तो भैया लास्ट वही होता है ना, कोई वॉर में तुम भाई जीतते हो हारते हो कैसे पता चलेगा, भैया लास्ट तक खड़े रहोगे तभी पता चलेगा। ओके, तो और जाहिर सी बात है कि कोई क्वेश्चन भाई कॉन्सेप्ट सिर्फ क्वेश्चन के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज को, भैया एग्जाम में भी परसेंटेज ही बोलते हैं और हम भी परसेंटेज ही पढ़ाते हैं। प्रॉफिट लॉस को एग्जाम में भी प्रॉफिट लॉस पढ़ाते हैं, बस जो नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो चेंज होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होता है, लेकिन गारंटी है भैया कि आता तो भैया सब सब वही बोलते हैं, सब तो सेम आता है। लेकिन वही बात है कि जो इस एग्जाम को दिया है, मैंने दिया है, हमको पता है कि कहाँ से आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देरी के चलिए आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट वन को स्टार्ट करते हैं। तो होप कि आप लोग तैयार होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके टाइम एंड वर्क से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपके टाइम एंड वर्क से बोल रहा है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। सुनील किसी काम को 6 दिनों में करता है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम लोग अपने अपने क्वेश्चन के पार्ट को लिखते जाएंगे। देखिए जब हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो कैसे क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। देखिए तो सुनील यहाँ पे लिखते हैं कौन कितने दिनों में कर रहा है, तो सुनील 6 दिनों में कर रहा है। मुदित कितने दिनों में कर रहा है, मुदित आपको 12 दिनों में कर रहा है। ओके, हम जैसे जैसे कर रहे हो वैसे करिए, एकदम आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। मुदित 12 दिन में कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलसीएम। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिख देते हैं हम पूरा एक क्वेश्चन में अच्छे से बता देंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 गिव्स क्या देता है आपको, टोटल वर्क, काम कितना है वो दे देता है। ओके, टोटल वर्क देता है। तो क्या 6 और 12 का एलसीएम हमने लिया, 12 आ गया यहाँ पे, ये टोटल वर्क आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्षमता। भैया मानते हैं कि अगर सुनील 6 दिन में काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 6 दिन में वो 12 काम करेगा। उसी तरह मुदित 12 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 1 काम किया होगा। ओके, देखिए आपको इतने डिटेल में समझा रहे हैं, इतना टाइम लगेगा नहीं इस क्वेश्चन करने में। ओके, अब बोल रहे अगर वे 2 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो 2 दिन तक 7 काम करेंगे, पहले सुनील प्लस मुद्दित निकालो। एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 2 + 1 = 3 काम करेंगे एक दिन में वो। अब बोल रहा है कि ये 2 दिन तक 7 काम करते हैं 2 दिन में, तो 2 दिन में 2 दिनों में इतने इन्होंने कितना काम किया होगा, तो 6 काम किया होगा। ओके, अब बोल रहा है तो काम का कितना भाग बाकी रह जाता है, काम का कितना भाग बाकी रह जाता है। तो भैया देखो लेफ्ट वर्क लिखो, लेफ्ट वर्क तो 12 पूरा काम था, 6 आपका हो चुका है, तो बचा 6 काम। अब भाग पूछा है, तो लेफ्ट वर्क और बटे टोटल वर्क देखो क्या लिखोगे, जो बचा हुआ भाग है और जो टोटल भाग है। ओके, कर दोगे कितना आ जाएगा, 1/2। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये हैंड रिटन जो सॉल्यूशन है ना, अगर ये चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, तब हो सके तो हम टेलीग्राम एक ग्रुप बना देंगे, वहां पे डाल दिया करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है डी का 15/45, जी का 6/135 है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या आ गया, डी का 15/45 लिखिएगा इक्वल टू जी का 6/135 है। अब सिंपलीफाई आपको करना है, ये सिंपलीफिकेशन में क्वेश्चन है, रेशियो भले दिया हुआ है आपको, डी रेशियो जी बताना है, लेकिन एक तरीके से अगर ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, क्या करिएगा, देखिए 15 से 3 बार में ये चल जाएगा, 15 × 3 = 45। अब देखिए 5 × 3 = 8 = 1 यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है ना, और तो जाहिर सी बात है 3 से कटेगा, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। क्या आ गया, D/3 = G/2/5, ये आ गया। तो D/G क्या आ जाएगा आपको, 6/5, और यही तो हो जाएगा, D/G क्या हो जाएगा, 6/5। ओके, सही है, देखिए कहीं गलती हो रहा है तो आप लोग ढूंढ के बताइए। देखिए अच्छा हमने क्या बोला, यहाँ पे 45 था, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे और 3 से इस बार में काटेंगे 15 बार में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2:2:15। ओके, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, 2:15 आएगा, 2:15 ए ऑप्शन में दिया है। ओके, ए विल बी द करेक्ट आंसर फिर दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा एक बड़ा से बड़ा संख्या बताइए। ओके, ऐसे एक बड़े से बड़े संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए, जिससे मतलब जब जिससे हम जब 556, 763 और 349 को काटते हैं
तो प्रत्येक बार चार शेषफल बचता है, ओके, चार शेषफल बचता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, सिंपली क्या करते हैं, मानते हैं, देखो देखो तुमको इसके बीच का कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे जैसे चार से तुम पाँच को जब डिवाइड हो गए, तो चार एकम चार आएगा, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर। जब तुम पाँच, इसी पाँच में से एक को घटा दोगे तो चार आएगा। अब इसको तुम चार से जब भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर जीरो आएगा। मतलब कि अगर अगर हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य में से अगर शेषफल, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर सिस्टम अभी ही पढ़ाया है, शेषफल को घटा दें तो आसानी से ये क्या होता है, भाजक से कट जाता है, भाजक से कट जाता है, ओके। तो होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या 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 दिया है, 556 में से पहले चार को घटा लो कितना आएगा, 552 आएगा। फिर 763 में से तुम 763 में से तुम फिर चार को घटा लो कितना आ जाएगा, 759 आएगा। और फिर 349 में से तुम चार को घटा लो, ओके, तो कितना आ जाएगा, 345। अब तुम्हारे पास जो नंबर बचा ना वो आया 552, 759 और 345। अब इसका तुमको क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा। इसका जो SCF होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या बोल रहा है कि 556, 763 और 349 को एक ऐसे बड़े से बड़े नंबर, छोटा से छोटा नंबर नहीं बोल रहा है, बड़े से बड़े, बड़ा सा नंबर क्या होता है, SCF होता है, उससे बड़ा नंबर इसको काट ही नहीं सकता है। तो हो गया, अब इनका SCF निकालने के लिए जब हम आपको पढ़ाएंगे तो क्या वह डिफरेंस मेथड से बताएंगे। अब डिफरेंस भी निकालने का ट्रिक होता है, आप 700 से 500 का मतलब ऐसे नंबर का डिफरेंस निकालिए ना जो कि कम आए, सबसे कम आए, ओके। तो 552 और क्या 759 का ही निकाल दो, तो 759, 552, 9 में से 2 गया 7, 5 में 5 गया 0 और 7 में 5 गया 2, 207 बचा। अब 207 बचा, 207 से क्या ये 552 कट रहा, नहीं कटा। देखो अब ये जो आता है ना यही SCF होता है, या इसका फैक्टर जो होता है वो SCF होता है, ओके, इसका फैक्टर SCF होगा, ओके। अब 207 से तो नहीं कटा, 207 का फैक्टर करो, 3 6 18, 3 9 27, 69 से काट के देखो 552 कटेगा भाई, एकदम कट रहा। देखो 552 को जब तुम 69 से भाग दोगे ना तो 69 से कितना बार में, 7 बार में ले जाओ, 7 9 23 नहीं, 8 9 72, 8 बार में ले जाओ, 8 9 72 का 2, 7 8 6 48, 7 55, तो ये तो कट गया। फिर उसी तरह तुम चेक कर लो 69 से, 69 से किसको चेक करोगे, 759 को चेक करोगे, तो एक बार में ले जाओगे तो यहाँ फिर 6 बचेगा और 11 बार में ये कट जाएगा, ओके, ये भी कट गया। उसके बाद अब फिर से चेक कर लो, क्या चेक करोगे तुम, 345 को चेक करोगे 69 से, ओके, 69 से तुम 345 को चेक करोगे, तो क्या 5 बार में ले जाओ, 5 9 45 का 5 4 हासिल, 5 6 30 और 4 34, ओके, तो ये भी कट गया। तो ओवरऑल SCF तुम्हारा क्या आ गया, SCF इक्वल टू आ गया 69। होप कि आप लोगों को क्लियर होगा ये किस ऑप्शन में दिया है, डी नंबर ऑप्शन में दिया, डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आ गया परसेंटेज। देखिए इसमें परसेंटेज और रेशियो दोनों का यूज दिया है, बोल रहा है कि ए बी से 70% अधिक है, बी सी से 40% कम है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। तो ए रेशियो तो आपको क्या बताना, ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। देखिए पहले क्या करेंगे, ए बी से 70% अधिक है, तो अगर बी मान लेते हैं हम 100 है, अगर मान लेते हैं एक तरीके से 100, तो ए क्या हो जाएगा इसमें प्लस 70%, तो मतलब ये 170 हो जाएगा। तो मतलब ए को क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, ए बटे बी क्या लिख सकते हैं, अगर हमने ए को माना 170 तो बी को 100, ठीक है। अब बी रेशियो सी लिखो, बी बटे सी, उसी तरह बी बोल रहा है बी सी से 40% कम, अगर सी 100 है तो बी 60 होगा, इससे -40%, ओके। होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में होगा। अब देखिए ए रेशियो बी आपके पास, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 17/10 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 60/100 को क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5। ए रेशियो बी दिया है आपके पास 17:10, बी रेशियो सी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ए लिखेगा, बी लिखेगा और सी लिखेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हैं, जब रेशियो बताएंगे, रेशियो पढ़ाया होगा बी चैनल पे, और अच्छे से पढ़ा देंगे कभी। तो 17:10 है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी आपके पास है 3:5। देखिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसके बगल वाला नंबर लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यही नंबर यहाँ लिख देते हैं, तो 3, तो क्या आ जाएगा 51, 30 और 50। तो यही इस क्वेश्चन का क्या, ये सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई हो रहा होगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, और नहीं सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, 51:30:50, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। भाई प्रैक्टिस है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, लल्लू पल्लू करके मत चले जाना, या फिर एकदम टफ करके मत जाना, तुमको एवरेज क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। भैया जो हम सिंपल है वो बताते हैं तुम्हें, देखो क्या बोल रहा है।
किसी दुकानदार के पास 1000 किलो चावल है, वो बोल रहा है कि कुछ पार्ट उसके 8% प्रॉफिट बेचा और बचा हुआ भाग को 18% प्रॉफिट बेचा, उसको 14% प्रॉफिट होता है पूरे पे, तो बताइए कि 18% प्रॉफिट पे उसने कितना माल बेचा था। ओके देखो यहाँ पे कुल, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हो जाएगा 14%, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुमको 14% उसको कुल लाभ हुआ। ओके अब देखो क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, मान लेते हैं लेट ही लेट सॉरी लेट ही सोल्ड, मतलब मान लेते हैं कि एक्स किलो चावल उसने एट एट 8% पे प्रॉफिट बेचा, तो मान लेते सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे तो एक्स पे कितना उसको फायदा होगा, 8% ऑफ एक्स प्लस, अब देखो बचा हुआ चावल कितना बचेगा, अब 18% पे उसने 1000 माइनस एक्स बेचा होगा, बोल रहा है कि रेस्ट पे, क्या बोल रहा है, रेस्ट पे 18%, मतलब मान लेते कि हमने एक्स किलो को 8% पे बेच दिया, तो हम 1000 माइनस एक्स किलो को तो ही 18% पे बेचेंगे, तो 18% ऑफ क्या, 1000 माइनस एक्स किलो इक्वल टू आपको टोटल 14% फायदा हो रहा है, कितने का हो रहा है, 14% ऑफ 1000, ये आपका इक्वेशन बन गया। ये जिसने इक्वेशन बना लिया वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएगा, देखो क्या परसेंटेज दोनों साइड से काट दो तो आएगा 8x प्लस 18000 के, 1000 के बगल बदले हम के लिख देते हैं, माइनस 18x इक्वल टू क्या आएगा, 14k, हमने परसेंटेज दोनों साइड से काट दिया, अब 8 में से 18 गया तो माइनस का 10x इक्वल टू माइनस का 4k बचेगा, माइनस माइनस गया, एक्स इक्वल टू क्या 4k, 1000 लिखे थे हमने, के को 1000 लिया था, ये लिख लो भैया सॉल्व करने के लिए हमने किया था आसानी करने के लिए, क्योंकि मानते हैं इक्वेशन में बार बार 1000 लिखोगे ना तो लंबा आएगा, इसलिए तुम ये सब सीखना पड़ेगा तुम्हें कि भैया कैसे हम सॉल्व करें, थे 10 यहाँ से एक जीरो काट दो, मतलब एक्स इक्वल टू 400 किलो, मतलब कि 400 किलो को तुमने, 400 किलो तुम्हारा आंसर नहीं है, देखो ऑप्शन में तुमको 400 किलो दिखेगा लेकिन 400 किलो आंसर नहीं है, 400 किलो तो तुमने एट 8% माना है ना, एट तुमने एक्स के जी माना है 8% पे, तो अब तुमको जो 18% कितना हो जाएगा, एट 18% तुम्हारा हो जाएगा 1000 माइनस एक्स किलो, 1000 माइनस एक्स कितना है, 1000 माइनस एक्स तुम्हारा है, 1000 में से तुम कितना ले जाओ 400 ले जाओ तो बचेगा 600 किलो। ओके 600 किलो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, किस ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट तरीका हम बता देते हैं लेकिन वो उतना यूजफुल है, देखो उसमें क्या करते हैं एक तरीके से यहाँ पे शॉर्ट में हम बता देते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि तुमको 8% का फायदा हुआ तो x मान लो, x को तुमने माना एट 8% पे, तो वो लिखते हैं 108% ऑफ x, क्योंकि x अपने आप में 100% है और तुमको फायदा मिला के टोटल अमाउंट को ही इक्वल कर देते हैं, 108% ऑफ x प्लस 118% किसका, 1000 माइनस एक्स इक्वल टू लिख देते हैं 114% ऑफ 1000। ओके 114% काटोगे तो फिर आएगा तुम्हारे पास 108x प्लस 118k, मान लो k का मतलब 1000 लिए हैं, माइनस 118 इक्वल टू आएगा 114k। ओके फिर आगे जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो 108 में से 118 गया तो माइनस 8x बचेगा, यहाँ पे x आएगा 118x इक्वल टू आएगा माइनस का 4k। ओके फिर वही आ गया बात, अब देखो माइनस का 4k आएगा, x इक्वल टू यहाँ से तुम्हारा 500 आ जाएगा और तुम्हारा 100,000 माइनस एक्स इक्वल टू 600 किलो आ जाएगा। ओके तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बेस्ट मेथड हमारा ये फर्स्ट वाला मेथड था इस क्वेश्चन से, इसी तरीके से तुम सॉल्व करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहाँ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज मनी, बोल रहा है कि एक आदमी जो है, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, अपने पैसे को इस प्रकार से बांटता है कि जो अनुपात में राम और श्याम को पैसे मिले ना उसी अनुपात में श्याम और गीता को पैसे मिले, जो कि कितना अनुपात दे दिया है 502। चलो लिखो क्या दिया है, राम अनुपात क्या है, सॉरी क्या है, राम अनुपात श्याम दिया हुआ है 5:2 और तुमको श्याम रेशियो गीता क्या दिया हुआ है 5:2। अब डायरेक्ट यहाँ से घटाना मत, बोल रहा है कि अगर गीता को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गीता को राम से 21,000 रुपये कम मिले, अब गीता को राम से कितने, यहाँ तो तुमको सोचोगे 5 में से 3, नहीं पहले तुम तीनों का रेशियो निकालो, राम रेशियो श्याम रेशियो गीता, तो कैसे करोगे 5:2, फिर लिखोगे 5:2, यहाँ खाली है 2 भरोगे, यहाँ खाली है 2 भरोगे, आएगा 25:10:4। ओके अब ओवरऑल अब देखो डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे राम है, राम को मिला 25 रुपया, गीता को मिला 4 रुपया, नहीं कितना कम मिला 21 रुपया कम मिला, 21 नहीं मिला, 21 का वैल्यू कितना दिया है 21,000 रुपया दिया है, तो मतलब गुने 1,000 कर देंगे तो 1 का वैल्यू तुम्हारे पास 1,000 है, तो बोल रहा है कि तो पूरे पूरे पैसों का मान कितना होगा, तो पूरे पैसे जोड़ लो यहाँ से, पूरे पैसे कितने का 25,000 29,000 10 39
39 आएगा, तो 39 इंटू 1000 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 39,000 रुपये आ जाएगा। ओके, और सॉरी रुपये, 39,000 रुपये आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि चार सदस्यों की एक फैमिली का एवरेज एज, औसत उम्र 40 वर्ष है, अगर प्रेजेंट एज मतलब सबसे छोटे पर्सन जो है उस बिट्टू, जो कि सबसे छोटा लड़का कौन है, बिट्टू 8 साल का हो गया है, तो बताइए कि बिट्टू के जन्म के समय कुल क्या सॉरी परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखो अभी कितने हैं नंबर ऑफ मेंबर, तो सम ऑफ एजेस क्या लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ एजेस लिखेंगे हम, अभी डिटेल में बता रहे हैं, सम ऑफ एजेस नंबर ऑफ मेंबर इक्वल टू एवरेज लिखते हैं। सम हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा, एवरेज दिया हुआ है 40 इंटू नंबर ऑफ मेंबर 40 मतलब 160, हमारा पूरा उनके उम्र का सम 160 है, लेकिन 8 साल पहले बोल रहा है, 8 ईयर्स अगो बोल रहा है 8 साल पहले सब 8। देखो इसमें गलती मेन क्या करते हैं ना, देखो क्या करते हैं, बिट्टू को हटा देते हैं तो बांधते हैं बिट्टू के 160 में से तुम क्या कर देते हो, 160 में से 8 घटा लेते हो, 152 आता है, 152 को तुम 3 से भाग दे देते हो, कितना आता है 3×5=15 और 50.6, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं होता, क्यों नहीं दिया था, देखो 8 साल पहले बिट्टू तो मानते हैं चलो नहीं रहेगा, ये तो सही है 3% कर रहे हो, लेकिन से बिट्टू का उम्र थोड़ी कम होगा 8 साल पहले, भैया तुम सोचो कि तुम्हारे उम्र अभी अगर 20 साल है तो 8 साल पहले तुम 8 साल के थोड़ी रहे होगे, चलो अभी तुम 20 साल हो, मान लेते तुम्हारे भैया का लड़का हुआ 0 साल का, वो जो वो भी 8 वो 8 साल का, तुम 20 साल के हो, अगर उसके जन्म के समय तुम 20 साल के थोड़ी रहोगे, तुम भी तो 12 साल के हो जाओगे, तो तुम अपने में से भी 8 साल घटाओगे, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास सम आ गया 160, अब इसमें से अब 8 ईयर्स अगो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, 160 उनका सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, 8 गुने कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर है, 32 घटाना पड़ेगा, मतलब 160 माइनस 32 करोगे तो 128 आएगा, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से सॉरी 5 में से 3 गया 2, हाँ 128 आएगा। अब तुमको एवरेज निकालना है, अब एवरेज लेकिन उस समय कितने पर्सन है, जब तुम्हारे भतीजे का जन्म के समय तुम कितने लोग होगे, मान लो 3 ही लोग होगे, मानना क्या है क्योंकि वो भतीजा तो उस समय नहीं रहेगा ना, वो सब जब उसका जन्म हो रहा है, तो 128/3 करोगे क्या आएगा, 3×12 3×6=42.66 आएगा, 42.66 सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप गाइस को आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, भैया ये क्वेश्चन बनाने में ना 2 घंटे लगे भैया, एकदम खोज के बनाते हैं कि वैल्यू बुक के दे देंगे तो क्या फायदा है, वैल्यू कुछ अलग दो, पॉइंट में दो, चलो मानते हैं हम तुमको पॉइंट वाला करा दे रहे हैं, मान लो हम तुमको पॉइंट वाला करा दे रहे हैं, तो भैया जो सिंपल है वो तो तुम आसानी से कर ही लोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 12, मानते हैं कि 5 क्रमिक सम संख्याओं की औसत 12 है, तो देखो जब भी इवन नंबर तुमको बोले ना मानने के लिए, इवन नंबर को तुम हमेशा 2x लेट करना, और जब ऑड नंबर को लेट करने को बोले ना तो 2x+1 लेट करना। देखो यहाँ पे ऑड एक्स या तो तुम ऑड रखो या इवन रखो, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही देगा, और यहाँ पे एक्स तुम ऑड रखो या इवन रखो, जब 2x+1 करोगे तो ऑड ही आएगा। ओके तो चलो लेट हमारा नंबर क्या है, और लेट आवर स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटी संख्या हमने माना वो माना 2x, ओके 2x माना, तो चलो 2x क्या बोल रहा है, 5 क्रमिक संख्या, तो 2 का गैप होता है, ऑड नंबर लो या इवन नंबर लो 2 का ही गैप होता है, तो 2x+2x+4+2x+6+2x+8 हो गया 5 संख्या, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ, इनका औसत क्या दे हुआ है 12, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा तुमको 5। ओके अब यही तो होता है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ द नंबर्स और इक्वल टू एवरेज आता है। अब देखो यहाँ से जब जोड़ोगे तो 2, 4, 4×2=6, 6×2=8, 8×2=10, यहाँ से क्या है 10x आया, जब इनको जोड़ो तो यहाँ पे क्या है 2x+2 है 2x+4 है। ओके तो जोड़ो 8×6=14, 14×4=18, 18×2=20, ओके 10x+20=, जब 5 का उधर जाओगे तो गुना होकर 60 बनाएगा, x=, क्या आ जाएगा 60−20/10=40/10, यही तो आएगा x=4 आया, तो मैंने सबसे तुम्हारा छोटा नंबर क्या आ गया, नहीं छोटा नंबर अभी नहीं है, देखो तुम्हारे पास x की वैल्यू 4 आई है, सबसे छोटा नंबर तुमने 2x माना था, तो 2x क्या हो जाएगा तुम्हारा 2×4=8 हो जाएगा, 2x+2 क्या हो जाएगा 2×4+2=2 क्या हो जाएगा 4×2=8, 2×10, ओके 10 आया। अब देखो क्या हुआ, अब तुमने 10 माना, जब 10 लेट किया, अब हमने इस 2x+2 इसलिए निकाला क्योंकि बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो पढ़ो यहाँ पे,
तो दूसरी सबसे छोटी संख्या मग का घन बताइए, दूसरी सबसे छोटी संख्या इनमें कौन होगी, ये बोले देखो सबसे छोटी संख्या ये है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये है, तो 2x+2 का तुमको क्यू पूछ रहा है, तुमसे बोल रहा है 2x+2 का क्यू। 2x+2 तुम्हारा क्या आया, 10 आया, 10 का जब क्यूब करोगे, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके तो होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। भैया एक्स लेट करके मत बनाना, एक्स लेट करके बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके एक्स लेट करके बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो एक्स लेट करके बनाओगे, चलो अब हम तुमको इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल ही बता देते हैं क्या गड़बड़ होगा। देखो मान लेते हैं किसी लड़का ने लेट एक्स को हमने इवन नंबर माना, ओके एक्स को इवन नंबर माना, उसने मान लिया लेट x+2 को इवन माना, इवन माना x+2 को जब तुम इवन मान रहे हो, x+2 को तो मानते हो कि यहाँ पे देखो दो कंडीशन बनते हैं, या तो ये इवन होगा और या तो ये ऑड होगा। अगर इवन है तब तो तुम्हारा इवन नंबर आएगा, लेकिन अगर ये ऑड हो गया तो ये इवन नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ऑड प्लस टू करोगे तो क्या आएगा, ऑड प्लस टू ऑड ही आएगा। तो इसीलिए जब x+2 माने, तुम x मान सकते हो लेकिन x+2 मान के कभी मत सॉल्व करना। कहने का मतलब ये था x मान लेना, x मान के चलो करोगे तो क्या आएगा, x x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+10 सॉरी 8 आएगा, इक्वल टू कितना है 12, और गुने 5 हो जाएगा, इधर 5 60, तो अब देखो 5x आएगा, 5x यहाँ से क्या आएगा, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 प्लस 20 इक्वल टू 60 आया। एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, 60 में से 20 गया 40, 40 भागे 5 8 आया, तो एक्स तुम्हारा सबसे छोटा तुमने माना था, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये नंबर आ गए, सॉरी 18 नहीं आएगा, 5 ही नंबर मानना था। अब सबसे सेकेंड स्मॉलेस्ट 10 है, 10 का जब क्यूब करोगे तो 1000, ये आंसर हो जाएगा। ओके तो x+2 मान के कभी मत सॉल्व करना, गड़बड़ हो जाएगा। ओके क्योंकि x+2 को जब तुम इवन मान रहे हो ना, तो तुमने पहले से ही x+2 को जब तुम इवन मान रहे हो तो एक्स को तुमने इवन मान लिया, तो स्मॉलेस्ट टू एक्स हो जाएगा, एक्स से शुरुआत करो। ओके तो चलो ज़्यादा दिमाग नहीं देना, प्रैक्टिस पे तुमको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट हम बताते हुए चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो भैया ये क्वेश्चन आ गया, गाय दूध दे रही है। ओके दिया हुआ कि एक गाय है, वो औसतन, औसतन देखना बहुत ध्यान से, ये नहीं है कि बस सीधे कि 75 लीटर दूध दे रही है 7 दिन में, तो 7 से भाग दे दोगे, 1 दिन में जो भी लीटर आएगा वो, ऐसा नहीं है। क्या आ रहा है, एवरेज, मतलब कि वो 7 दिन में, 7 दिन में सम ऑफ देखो, अब देखो 7 दिन इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे इन ए वीक बोला है, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में वो औसतन 75 लीटर दूध दे रही है, तो टोटल सम ऑफ लीटर ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, पूरे दूध का सम कितना हो जाएगा, पूरे दूध में कितना लीटर दूध देगी, तो 7 × 75 देगी, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 का 5 × 3 = 49 = 52, ओके 525 लीटर वो दूध देगी एक सप्ताह में। अब नीचे क्या बोल रहा है कि औसतन हुआ बुधवार को छोड़कर, मतलब बुधवार को दूध नहीं दे रही है, बुधवार को छोड़कर वो औसतन 75 लीटर दूध देती है, मतलब अब हमारे पास दिन कितने बचे, अब हमारे पास दिन 6 ही बचे, बुधवार को हटा दिए और सम निकालेंगे, मान लेते हैं इसको एस माने, तो एस डैश मान लिए उसको, एस डैश क्या आ जाएगा मेरा, सम गुने 72 हो गया, एवरेज घट गया, एवरेज 3 घट गया, ओके तो 6 × 12 कितना हो जाएगा, सम इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ लीटर ऑफ मिल्क 6 × 72 करोगे तो 6 × 12 का 2 × 1 = 6 × 7 = 42 41 432 लीटर दूध आएगा। ओके अब बोल रहा है तो बुधवार को कितने दूध लेते, देखो तो अब तुम्हारे पास एस 7 दिनों का सम दिया हुआ है 525, 6 दिनों का सम दिया हुआ है 432, तो भैया घटा लो ना वेडनेसडे को, मतलब कि बुधवार को उसने कितना दूध दिया हुआ, घटा लो 5 में से 2 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 93 लीटर ऑन वेडनेसडे। होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्वेश्चन का लेवल सही सब लग रहा होगा, ऐसे का क्वेश्चन अगर आपने दिया होगा कोस्ट गार्ड का एग्जाम पिछला वाला, तो पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके थोड़ा बहुत हमने वैल्यू को इधर उधर अपने हिसाब से किया है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर जा सके। ओके तो चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन को देखिए, 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसलिए कर रहे हैं हम लोग ना, क्योंकि समझते हुए चलेंगे, 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आप मॉक लगाइए, जरूर लगाइए, लेकिन हम आपको देखिए डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं, मेथड भी बताते हुए चल रहे हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि कोई पैसा 4 साल में 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 1200 रुपये हो जाता है, 1200 रुपये हो नहीं जाता है, 1200 रुपये सिर्फ साधारण ब्याज देता है, तो उस पैसे का मान बताइए। देखिए क्या होगा, मानते हैं हमारे पास कोई रुपया था, एक्स रुपया था, इस पे 4 साल तक 7.5% की दर से हमें एसआई कितना मिला, एसआई मिला हमें, एसआई कितना मिला,
1200 रुपये मिला। ओके एस आई कितना मिला 1200 रुपये। देखिए क्या होता है, एस आई बराबर आप फॉर्मूला से पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इससे कर लीजिए। एस आई क्या है, एस आई मिला आपको 1200 रुपया। प्रिंसिपल आपके पास नहीं पता, प्रिंसिपल मेरे पास मूलधन कितना था, रेट है 7.5 का, टाइम कितना है 4 साल का बटे 100। ओके तो 4 से ये 25 बार में जाएगा, 25 बार में यहाँ से एक ये हटाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा और 25 3 75। ओके तो आपके पास टोटल क्या बचा, हम पूरा इधर और साफ में लिख के फिर काटते हैं, पी इंटू 3 ओके बटे में 10 आया। ठीक है यहाँ से फिर से 3 से इसको 400 बार में काट दीजिए, प्रिंसिपल आपके पास क्या आ गया 400 × 10 इक्वल टू आपके पास प्रिंसिपल आ गया 4000। ओके ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए अब मेरे तरीके से फॉर्मूला हमको भैया नहीं पता, हमको फॉर्मूला पता ही नहीं है कितना हुआ। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट भैया ये 100 पे तुमको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ना इस साल, तो 10 रुपये होगा, तो अगले साल भी ना तुमको इसी 100 पे मिलेगा, तो हम डायरेक्टली क्यों ना करें, हमें 4 साल तक मिल रहा है 7.5% मिल रहा है, तो टोटल हमें कितना मिला होगा 30% ब्याज मिला होगा 30%। अब हम मान लेते हैं कि मेरा प्रिंसिपल कुछ था 30% का वैल्यू, रेशियो मेथड से करो बहुत ही सिंपल, एकदम उड़ जाएगा क्वेश्चन हवे में। 30% का वैल्यू तुमको 1200 दिया है, 100% का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करोगे 100% करोगे तो 1200 बगे 30 गुने 100 कर दो निकल जाएगा, 30 से 40 बार में कट जाएगा इक्वल टू 4000। और हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता था, हमें भैया हमको ऐसा ही पी आई पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100 कुछ नहीं पता था, और हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन कर लिए। अरे भैया ये तो 9th नंबर क्वेश्चन था, अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। ओके नई क्वेश्चन बाकी है, ओके 9th विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। अगले बार से हम लोग 10 क्वेश्चन रखेंगे, इसीलिए हम शायद कह रहे थे कि 9 को 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस होगी। तो होप गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर समझ में आए तो लाइक करिए, इस सीरीज को आगे रखा जाएगा और मॉक हम तैयार करेंगे। ओके अगर आप लोगों का रिव्यू मतलब कहता है आप लोगों का एंगेजमेंट रहेगा वीडियो पे, कमेंट रहेगा या व्यू रहेगा, आप लोग अगर देखते हैं पसंद करेंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में भैया समय बहुत लगता है। ओके तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप मॉक देते रहिए, इसको भी पढ़िए, क्वेश्चन को नए नए वैरायटी को ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। ओके थैंक यू।